मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार से सोना बोलती हूँ। मैंने कभी नहीं डिमांड। ओके, वो खुद ही गिफ्ट कर देते हैं। भैया कह रहे हैं मुझे फेमस कर दो। इंटरनेशनल कारीगर हैं। सेकंड ईयर भी मेरा यहाँ नहीं हुआ, सेकंड ईयर मेरा दुबई में हुआ। तीसरा साल है तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा। मैं उनके लिए खुद गिफ्ट हूँ, मैं क्यों गिफ्ट करूंगी। हाँ, परमानेंट यही होते हो ना। जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हो तो आपको कितना टाइम हो गया करवा चौथ का व्रत रखते हुए? 25 years। हाँ जी। कितने साल हो गए? तीसरा साल है। कितना? 7 years। 35 years। 7 years। तो आपका फर्स्ट व्रत है आपका? शादी के बाद पहला। शादी के बाद पहला है तो आपने इससे पहले करवा चौथ का व्रत रखा है? फर्स्ट टाइम। अच्छा एक्सपीरियंस था। 3 years। तो आपको आपका पहला करवा चौथ का एक्सपीरियंस याद है, कैसा था पहला व्रत? पहला व्रत वैसे मैंने पंजाब में तो रखा नहीं था। ओके। क्योंकि हमारे में ट्रेडिशन है कि हम लोग फर्स्ट व्रत अपनी मम्मी पापा के घर पे रखते हैं। ओके। तो वहाँ पर ही हम लोगों ने रखा था। ओके। तो आप कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली देहरादून से। देहरादून से, यूपी से। ओके ओके। भूख लग रही थी तब। भूख लग रही थी तो इतना इसके बारे में पता नहीं होता, थोड़ा शौक से रखते थे। शौक में रखते थे। ओके। शादी के बाद पता चला नहीं कोई खास ही महत्व है। बेहद अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। तो जैसे भूख लग जाती है सारा दिन? ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी फास्ट रखे हुए हैं। ओके। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा था, बट इस बार पहली बार खुशी हुई मेहंदी लगवा के। ओके। वो भी ये वाले भैया से। अच्छा, ये वाले भैया से ज्यादा खुशी हुई मेहंदी लगवा के? बिल्कुल। भैया आपकी तारीफ हो रही है। वो सुपर गुड, ही took me on date, we had a super fun. भैया कह रहे हैं मुझे फेमस कर दो। अरे भैया की शक्ल खराब है इसलिए ना मुझे फोटो मिल लेना। भैया कह रहे हैं मुझे फेमस कर दो। इंटरनेशनल कारीगर हैं। तो पंजाब में जब आपने सेकंड ईयर रखा तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सेकंड ईयर भी मेरा यहाँ नहीं हुआ, सेकंड ईयर मेरा दुबई में हुआ। ओके। तो वो तो अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। ओके। और अब भी मैं यहाँ पे, वैसे तो क्योंकि लास्ट 6 years से भी मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अमेरिका में रहते हैं। ओके। हमेशा उनकी लंबी उम्र के लिए जी मेरे हस्बैंड। तो आप प्यार से क्या मतलब कि क्या निकनेम आप अपने मुंह से बता दीजिए, क्या ऐसे मतलब आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार से सोना बोलती हूँ। और उनका फुल नेम अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हैं? मेरे हस्बैंड का फुल नेम है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह। ओके। और आई एम ऑल्सो हरविंदर कौर। हरविंदर कौर। अरे वाह। आप यही तो होते हो फिर सारा साल? परमानेंट यही होते हैं। हाँ, परमानेंट यही होते हो ना? 9 साल हो गए। ये भैया मिलेंगे आपको क्लॉक टावर के नीचे और हर वक्त आपको देखते ही रहते होंगे अगर आप यहाँ से निकलते हो तो। हैं, सही बात है? बिल्कुल जी। तो मैरिज के बाद क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस देखे आपने? मैरिज के बाद तो बहुत ही चेंजेस होती थी पंजाब में। ओके, आप कश्मीर से हो? हाँ जी। कश्मीर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? करते हैं। ओके। कोई अलग रिचुअल्स वहाँ पे? नहीं। आपको गिफ्ट भी मिला होगा फर्स्ट टाइम? हाँ जी। या लगातार मिलता आ रहा है करवा चौथ? हमेशा मिलता है। हमेशा मिलता है। हाँ जी। ओके। तो कोई स्पेशल डिमांड भी रहती है मतलब करवा चौथ पे ऐसे मतलब कि वाइफ्स की हस्बैंड्स को? नहीं, मैंने कभी नहीं डिमांड। ओके। वो खुद ही गिफ्ट कर देते हैं। तो हैप्पी करवा चौथ मैम। थैंक यू, सेम टू यू एवरीवन एवरी ईयर। तो आपको कोई गिफ्ट मिला था फर्स्ट टाइम या एवरी टाइम मिलता है? एवरी टाइम। ओके। तो आप अगर शेयर करना चाहो क्या गिफ्ट मिला था आपको? मतलब याद रहे ज्वेलरी एवरी टाइम। ओके। तो हर लड़की को शौक होता है ज्वेलरी का? हाँ डेफिनेटली। ओके। अब ये बताओ लड़कियों को इतना क्रेज क्यों होता है गोल्ड का? इट्स नॉट ऑल अबाउट गोल्ड। ओके। अच्छा लगता है डालना? अच्छा लगता है। डायमंड, गोल्ड, एवरीथिंग। ओके।
बस गोल्ड की मिली थी, ओके मिली थी और ओके अच्छे अच्छे कपड़े मिले थे और क्या। ओके तो आज तक वो मिलते आ रहे हैं आपको? मिलते आ रहे हैं रेगुलर। ये तो अच्छा, एक जोड़ने का भांडा भी होता है, एक जी भी होता है जी। यस गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग क्या लगता है आपको? नहीं नहीं मिलने वाला आपको? भैया आप गिफ्ट नहीं देने वाले फिर इस बार फर्स्ट करवा चौथ का? क्या होता है, है? ये सरप्राइज रखना चाहते हो आप? ओके है मैम आपके लिए सरप्राइज। एवरी वाइफ इज अ गिफ्ट फॉर हस्बैंड। ओके यस, उसके लिए व्रत रखती है, उसकी मतलब लंबी उम्र की कामना के लिए चार्ज करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एवरी ईयर। तो अगर हस्बैंड भी व्रत रखे को क्या उन्होंने सुबह जाना था, क्या जरूरत पड़ी है? ओके ये लड़कियों के लिए बना, लड़के ही करें। ओके हाँ हमें भी नहीं तो फिर गिफ्ट देने पड़ेंगे। इट्स बेटर कि हम ही करके। ये देखो ये भैया का बोर्ड है, ये भैया यही मिलेंगे आपको क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे, सही बात है? और फुल डिस्काउंट के साथ पक्का देख लो, सबको सारे रेट बताएं। ठीक है देना पड़ेगा फिर डिस्काउंट? हाँ जी सही है यार, फिर दे देना, बढ़िया है। आपको पसंद है मेहंदी लगवाना? हैंड में भी लगी है। अरे वाह दिखाओ, जैसे पापा को फोटो खिंचवाई थी वैसे खिंचवा। हाँ तो फिर फास्ट भी रखना पड़ता है इसके लिए, तो रखोगे आप? नहीं मैं नहीं, मैं तो ऐसे लगवा रही हूँ। ऐसे ही लगवा रहे हो? जो मम्मा ने लगवा रही हो तो। मम्मा तो फास्ट भी रखते हैं। मम्मा का अकेले का फास्ट है बस। मम्मा का अकेले का? मम्मा का बर्थडे है। हाँ। मम्मा फिर सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे? केक खाएंगे। केक खाएंगे? खाना भी खा लेते हैं। खाना भी खा लेते हैं? वो तो रात को खाएंगे ना, सुबह भी खा लेते हैं। गुल्लू गुल्लू हो रही है? गुल्लू गुल्लू हो रही थी। गुदगुदी हो रही है? हाँ काफी लेडीज होती है तो बड़ा एंजॉय भी करते हैं। ठीक है हम लोग वो नहीं करते, जैसे किट्टी विट्टी नहीं करते। ओके पर भजन गाते हैं उसके बाद, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है जी। ओके तो सर की भी शॉप है वुमेन्स कलेक्शन हीरा कॉलोनी के पास, तो वैसे तो आप गए ही होंगे सर, कोई स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है अभी शॉप पे? हमारे हर वक्त होता है, हर वक्त जब मर्जी आ जाओ आप, डेट आपको वो मिलेंगे जो भी नहीं मिलेंगे। ओके इसकी गारंटी होती है हमारी, रेट्स की गारंटी है आपके पास, क्वालिटी की, रेट की क्वालिटी की, वैरायटी। ओके जी मैम कितने का फिर लगवाया ये डिजाइन आपने आज? ये 1200। 1200 तो सही है आपके हिसाब से रेट? हाँ जी इतनी मेहनत तो देनी बनती है ना इनको। मैम आप एक चीज बताओ कि जैसे लड़कियां होती हैं या वुमेन होती हैं, इनको ज्वेलरी से इतना प्यार क्यों होता है? यही तो इन्हीं से तो खूबसूरती है सबसे बड़ी। अच्छा इन्हीं से खूबसूरती है, मुझे लगा कि शायद ज्वेलरी की खूबसूरती मतलब लड़कियों से है। नो नहीं ऐसा नहीं है, लड़कियों से उनकी खूबसूरती ज्वेलरी की ज्यादा बढ़ जाती है। ओके तो आप गिफ्ट नहीं देते? मैंने भी दिया है। ओके मैंने भी गोल्ड रिंग दी थी इनको। अरे वाह क्या बात। तो अभी बच गया एक और, लगभग एक सवा एक हो गया है, और देख लो अभी भी मेहंदी के डिजाइन चालू हैं। ये मैम आपका नाम है? मेरी सिस्टर का। ओके बाकी भी फास्ट रखते रहते हैं जैसे नवरात्रों का ये वो, तो इसलिए इतना ये थोड़ा सा टफ होता है ना, इसमें पानी भी नहीं पीना होता, उसमें पानी पी सकते हैं बाकी हमें। नहीं नहीं ठीक ही था। ठीक था ओके, शाम को मतलब पूजा कर लो उसके बाद तो हमें एक बार। हाँ जी उसके बाद खाना खा लो जी, क्योंकि हम तो जब कवारे होते तो वो चंद्रमा को देखते नहीं है जी, तारे को देख कर, तारे को देख के यहाँ कर सकते हैं जी, इसलिए। ओके पिछले साल से थोड़ा कम है रश। अच्छा पिछले साल से कम है रश? 25% 25% 2000 वाला हाथ 1500 में लगाएंगे हम। अच्छा 2000 वाला हाथ 1500 में लगाओगे? 1500 वाला 1000 में लगेगा। 1500 वाला 1000 में? 1500 वाला 1000। तो डिफरेंस क्या रहता है 2000 के हाथ में 1500 वाले हाथ में, क्या फर्क क्या रहता है? डिजाइन का हिसाब, डिजाइन का फर्क रहता है। ओके और जैसे कवर करना, जैसे थोड़ा ऊपर कवर करना, थोड़ा बहुत ज्यादा कवर कवरेंस दे दोगे आप, उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा? उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। तो ये देखो यार ये आगरा से आप सब ना? हाँ मैं आगरा से, ताजमहल के पास से। ओके पूरी गेट पे रहते हैं सब, पूरी गेट। तो भाई ये है करवा चौथ होशियारपुर का, और बने रहिए हमारे साथ, हम अब दोबारा रेगुलर हो जाएंगे। और आज हमने देखा कि कैसा था एक्सपीरियंस लोगों का, पहला करवा चौथ कैसे उन्होंने मनाया है, और ये सभी आपको डिस्काउंट देंगे। ये देखो सभी भाई लोग आ जाओ मेरे साथ, ये देखो
ये सारे भैया आपको डिस्काउंट देंगे यहाँ पे, ठीक है, टीवी पे ये सारे यहीं मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे मिलेंगे। जल्दी से आ जाओ लगवाओ, जल्दी जल्दी आइए और लगवाइए। 2000 वाला 1500 में, 1500 वाला 1000, यही था ऑफर। तो लोग देखेंगे चैनल का, बताओगे तो देखो आपको ये डिस्काउंट देंगे। अच्छा ये यहाँ पे आप मेहंदी हमने दिखा दिया आपकी।